एक तरफ जहां मौसम की मार है तो वहीं दूसरी ओर यूरिया की कमी है। किसानों को हर तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 15 जून के बाजारों में यूरिया की भारी कमी के चलते फसलों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। बता दें कि धान की खेती में 15 जून भी काफी आगे है। धान की फसल में यूरिया को 3 अलग अलग बार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यूरिया खाद सरकारी समिति और बाजार से बिल्कुल गायब हो गई है, जिसके चलते किसान काफी परेशान है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अमर मंडल से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमर, क्या परेशानी आ रही है किसानों को इस वक्त? देखो वैसा एक तो पूरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ के अधिकतर लोग अपने कृषि कार्य पर निर्भर है और अभी जो कृषि का जो हाल है, यूरिया का खाद का एकदम अस्त आवश्यकता है, जो कि पूरे मार्केट में एकदम नदारद है, जीरो ये है। किसानों को काफी परेशानियां हो रहा है अपने धान के खेती के लिए, मक्के की खेती के लिए, हर तरफ से बहुत परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। जी, समिति प्रबंधक क्या कहते हैं कि यूरिया नहीं है? ये समिति प्रबंधक का कहना है कि हमारे जो समिति से जो लोन लिए हैं उनका संपूर्ण खाद हम दे चुके हैं, लेकिन जो बाहर से जो दूसरे किसान है जो समिति से लोन नहीं लेते हैं उनके लिए खाद नहीं है, बहुत जल्द उनके लिए व्यवस्था किया जाएगा, ऐसे समिति प्रबंधक का कहना है। अमर, हर साल कितना यूरिया लगभग आता है किसानों को देने के लिए और कब तक यूरिया आ जाता है? जी, असल इवन अब तक यूरिया सबको मिल जाता है, इस साल कुछ ज्यादा ही यूरिया की कमी हो रहा है। अगर देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में 19 लाख मेट्रिक टन की यूरिया की खाद की जरूरत होती है और सरकारी आंकड़े के हिसाब से 7 लाख मेट्रिक टन ही यूरिया अभी पूरे छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। बाकी जो 12 लाख मेट्रिक टन की यूरिया खाद की कमी पूरे छत्तीसगढ़ में है। जी, तो ऐसे में यानी कि अब आने वाले समय में यूरिया किसानों को और ज्यादा लंबे समय तक नहीं मिला तो जो किसानों की जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। जी, अभी तत्काल में अगर यूरिया का खाद नहीं मिलता है तो पूरे जितने मेहनत के जितने फसल इन लोग किए हैं पूरे मेहनत इनका बेकार हो जाएगा, पूरे फसल इनका बर्बाद हो जाएगा। और अधिकारियों के पास जाते हैं वो क्या कहते हैं, कोई आश्वासन दिया जाता है? अधिकारी को कहना है कि हम बहुत जल्दी पूरी यूरिया की व्यवस्था कर देंगे और बहुत जल्दी हम उन लोग पूरा व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पिछले 15 दिनों से अधिकारी द्वारा बोला जा रहा है लेकिन अब तक कोई व्यवस्था उनके द्वारा किया नहीं जा रहा है। और कुछ बाहरी दुकान है जहाँ यूरिया मिल रहा है जो कि 270 रुपया की यूरिया अभी किसानों को 500-600 रुपये में खाना पड़ रहा है मजबूरी। लौटूंगा अमर। देवाशीष विश्वास किसान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं पंखाजूर से। देवाशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा आपको खेती के लिए? अभी देखिए, खेती के लिए सबसे बड़ा अभी खेती में अभी भूमिका है यूरिया खाद का, जो क्षेत्र में एकदम शॉर्टेज है, कहीं जगह से उपलब्ध हो नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल है जी। और यूरिया की कमी से खाद, यूरिया अगर नहीं डाला जाता है धान में तो उत्पादन में काफी कमी आएगी। हाँ, और धान का जो पौधा है उसका भी उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम होते जा रहा है, पौधे का ग्रोथ कम होते जा रहा है, जिसमें फलन काफी कम आएगी, बहुत लॉस हो रही है। कितने दिन के बीच आपको यूरिया चाहिए और आप अधिकारियों से कहते हैं, समिति प्रबंधक से कहते हैं तो उनकी तरफ से क्या कहा जाता है? अभी तो फिलहाल गया था मैं आपका सोसाइटी में, जैसे मार्केटिंग सोसाइटी होता है पखांजूर में और आपका लैम्प के द्वारा बेचा जाता है, उनके पास गया था, उनके पास स्टॉक ही नहीं है यूरिया का। और निजी दुकानों में जहाँ बेचा जा रहा था वहाँ भी गया था लेकिन वहाँ से भी यूरिया नहीं मिल पाया है। कहीं कहीं सुनाई में आया था कि बाहर ब्लैक करके बेचा जा रहा है तो करीब 266 का यूरिया को 400-500 करके बेचा जा रहा था, हालांकि मैं गया भी हुआ था लेकिन मिला नहीं। मतलब आप जो आपको सूचना मिली थी कि ब्लैक से यूरिया बेचा जा रहा है, आप ब्लैक से खरीदने के लिए भी तैयार हो गए, आप वहाँ खरीदने जाते हैं लेकिन वहाँ भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो जितने भी किसान है किसी भी किसान तक यूरिया अब तक नहीं पहुंच पाया है या कुछ ऐसे किसान उन तक नहीं पहुंच पाया है? कुछ लोगों का जो लोन के मार्फत जो लोग लेते हैं सोसाइटी से, उनको लोन जो सेंक्शन होता है उनको कुछ खाद दिया जाता है जी। तो उनके पास कुछ कुछ स्टॉक पहले से है, जैसे कोई किसान लोन लेते हैं तो उस समय उनका लोन का पैसे से खाद दिया जाता है, उनको जमीन के हिसाब से उनके पास है, लेकिन हम लोन नहीं लिए तो हमारे पास नहीं है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा। यानी कि जिन किसानों के साथ बैंक से ऋण नहीं लिया है उन किसानों तक अब तक यूरिया नहीं पहुंचा है और एक किसानों की लंबी फेहरिस्त होगी वहां पर
जिन्होंने लोन नहीं लिया होगा उन तक यूरिया नहीं पहुंच पाया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं जल्दी आपकी समस्या का हल होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमर लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमर, कब तक हल हो जाना चाहिए, क्योंकि अधिकारी तो ध्यान नहीं दे रहे और जिन किसानों ने लोन लिया उन तक यूरिया है, जिन किसानों ने ऋण नहीं लिया है बैंक से उन तक यूरिया नहीं पहुंच पा रहा है। जी, आपको बताना चाहूंगा, जो किसान यहाँ से लैम से लोन लिया है उनको ही यूरिया दिया गया है, लेकिन जैसे दूसरे बैंक है जैसे स्टेट बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, इन बैंकों से जो लोन लिया है उनको लोन का पैसा दिया गया, उनको खाद नहीं दिया गया है। जो सिर्फ लैम से जो जो किसान लोन लिया है सिर्फ लैम्स वाले को ही यूरिया दिया गया है। और तत्काल में अगर इनको यूरिया हफ्ते भर के अंदर नहीं मिल रहा है तो इनका धान का जो उपज है वो बहुत ही ना के बराबर हो जाएगा, इससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। निश्चित तौर से, एक तो ऊपर से मौसम की मार, जिसके बाद यूरिया की कमी, यानी कि किसान बहुत संकट में है। बहुत शुक्रिया अमर जानकारी के लिए। और बात मुरना